फर्स्ट टेक अ पिक्चर, या इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, बट एनी वे मेक श्योर आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इन माई केस ये वॉल है। अब हमें चलना होगा एडजस्ट में और यहाँ से हमें हाईलाइट्स को 100% कर लेना होगा। आप इसको इन्वर्ट कर लेना इरेज में जाके, और जहाँ पर हमारे हेयर्स है आपको सिर्फ वहीं पर इसको अप्लाई करना होगा। इससे हमारा बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं ड्रॉ टूल में और यहाँ से हमें अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर लेना होगा, और जहाँ से हमने बैकग्राउंड को वाइट किया था यानी कि हमारे हेयर्स की साइड से, वहाँ से इसको एज इट इज ही रहने देना। कुछ इस तरह से, और इस एम्प्टी लेयर को मैं मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर देता हूँ। इस पर दोस्तों बैकग्राउंड इमेज को प्लेस करेंगे और सिंपली प्लस फोटो में जाके बैकग्राउंड इमेज को ले आता हूँ। अब लेयर्स में जाके मॉडल पीएनजी की एक और कॉपी बनाना और अगेन एक और एम्प्टी लेयर ऐड करके उसको बैकग्राउंड इमेज के ऊपर प्लेस कर देना। अब इसमें वाइट कलर फिल करके मॉडल पीएनजी के साथ मर्ज कर देना और इसका ब्लेंडिंग मोड आपको मल्टीप्लाई रखना होगा। अब टॉप लेयर को सेलेक्ट करना और जो भी दोस्तों वाइट पार्ट है उसको एक सॉफ्ट इरेजर के साथ इरेज कर लेना। दोस्तों ये जो टेक्निक है ये सिर्फ लाइट बैकग्राउंड पर ही वर्क करती है, वैसे भी मैक्सिमम केसेस में बैकग्राउंड में हमारा स्काई ही होता है। इस तरह आप अपने ओरिजिनल हेयर्स को ही एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जिस सेकंड केस की मैं बात कर रहा था, उस केस में आप अपने हेयर्स के पीछे लाइट कलर का कार्डबोर्ड रख सकते हैं, जिससे आप इस टेक्निक को वहाँ पर भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं इसी तरह के फोटोशॉप, लाइटरूम और पिक्सआर्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ।